पूरे दुनिया का ये दूसरा डीप टूट म्यूजियम है गाइस अपने भागलपुर में। जब से यहाँ पे म्यूजियम खुला है ये पूरे भागलपुर शहर का एकलौता म्यूजियम हो चुका है। इसकी ब्यूटी देखिए कि अपने पैरों पे खड़ा है। गूगल में वर्ल्ड फर्स्ट डीप टूट पार्क को करिए यही। अब आप लोग इस पार्क में आते हैं तो आपको एक म्यूजियम मिलेगा। आप लोग भागलपुर में है तो अगर अभी तक नहीं आए इस म्यूजियम में तो आ जाइए गाइस। डीप टूट पार्क में जब पहले आते थे तब और अब में काफी चेंजेस हुआ है। वेलकम बैक टू ब्लॉग, सो गाइस स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में गाइस। तो आज हम आप लोगों को लेके आए भागलपुर का एकलौता डिप्ट वुड म्यूजियम एंड पार्क में गाइस। एकलौता इसलिए कह रहे हैं कि जब से यहां पे म्यूजियम खुला है ये पूरे भागलपुर शहर का एकलौता म्यूजियम हो चुका है, क्योंकि पूरे भागलपुर शहर में एक भी म्यूजियम नहीं था और जब से ये खुला है तब से ये एकलौता है ओनली वन पूरे भागलपुर में गाइस। भागलपुर में कुछ भी घूमने के लिए नहीं है ऐसा काफी लोगों का कहना है, लेकिन आइए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि भागलपुर में ऐसा क्या है जो कि पूरे दुनिया में नहीं है। पूरे दुनिया का ये दूसरा डीप टूट म्यूजियम है गाइस अपने भागलपुर में, यानी कि बिहार में भी नहीं है, मतलब बिहार का एकलौता कह सकते हैं इसको। पूरे बिहार में एकलौता है डीप टूट पार्क, वो भी भागलपुर शहर में गाइस। आप समझ रहे हैं कि भागलपुर में ऐसा कुछ नहीं है घूमने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि पूरे बिहार में कहीं नहीं। आपको बताते हैं गाइस, पूरे दुनिया में पहला डीप टूट म्यूजियम जो है केरला में था और दूसरा बिहार के भागलपुर में है गाइज। तो चलिए आखिर ऐसा क्या खास है इस म्यूजियम में जो कि दुनिया का दूसरा है ये म्यूजियम, तो आखिर ऐसा क्या खास है चलिए आप लोगों को पूरा हम म्यूजियम का टूर करवाते हैं और पूरे म्यूजियम का ऐतिहासिक चीज़ों को भी दिखाएंगे और ऐतिहासिक बातें भी बताएंगे। अंदर जाने से पहले बता दें गाइज, डीप टूट पार्क को काफ़ी लोग जो है बूढ़ानाथ पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम डीप टूट म्यूजियम एंड पार्क है गाइज। यही बूढ़ानाथ मंदिर के जस्ट बगल में गाइज यही वो रास्ता है जो कि चतरी वाला है, आने वाले समय में हमें लगता है कि सीरी बन जाएगा क्योंकि बहुत ही फेमस ये पार्क है। बाहर से पार्क की खूबसूरती बहुत ही आकर्षक लगता है, हरा भरा नज़ारा आप लोगों को इस पार्क में देखने को मिलेगा। अब हरा भरा के नज़ारा का मतलब ये नहीं है कि कुछ और अभी हम म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। हमारे पास साथ है छोटे छोटे भाई एकदम सब्सक्राइबर, जो कि कैसा लगता है भाई वीडियो? अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। फाइनली गाइज हम डीप टूट म्यूजियम एंड पार्क पहुंच चुके हैं। पहला जो इसका टिकट काउंटर यहां पे था, अब टिकट काउंटर चेंज हो चुका है, आपको इस साइड मिल जाएगा। देखिए काफ़ी खूबसूरत अभी भी बनी रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है इसमें। देखिए यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। डीप टूट पार्क में जब पहले आते थे तब और अब में काफी चेंजेस हुआ है। पार्क के अंदर जाने के लिए आप लोगों को 40 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि पहले जो है टिकट चार्ज 30 रुपया था, अब उसका चेंजिंग हो चुका है। अब आप लोगों को पर व्यक्ति 40 रुपया टिकट पे करना पड़ेगा और अगर म्यूजियम में जाना है तो उसके लिए अलग से 50 रुपया, यानी कि म्यूजियम का टिकट 50 रुपया है, पर व्यक्ति 40 रुपया टिकट चार्ज है। तो चेंजेस हुआ है, अब आप लोग आते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई डॉट नहीं है गाइस कि ये भागलपुर का बेस्ट कपल पार्क है। जब भी आप आते हैं तो हरा भरा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिला ही होगा, लेकिन अब जो है इसमें एक नया चीज़ आया है जो कि है डीप टूट म्यूजियम, डीप टूट म्यूजियम। यानी कि गाइस इसमें म्यूजियम का नाम तो पहले से ऐड था, लेकिन म्यूजियम चालू था नहीं। ये म्यूजियम में काम चल रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन फाइनली अब म्यूजियम बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोग इस पार्क में आते हैं तो आपको एक म्यूजियम मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा म्यूजियम का टूर आप लोगों को करवाते हैं। सबसे पहले गाइस म्यूजियम के पास पहुंचते ही हम लोगों ने शूज कवर किया है। देखिए इस तरह से शूज कवर करने के लिए मिलेगा। इससे सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि म्यूजियम जो है वो सुरक्षित एंड साफ रहता है। तो हमने पहले देखिए शूज कवर कर लिया और यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ पे आपको टिकट चेक किया जाएगा। उसके बाद फाइनली हम जो है म्यूजियम में अंदर आ चुके हैं गाइस। फाइनली देख सकते हैं भागलपुर का एक लौता डीप टूट म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं गाइस। तो फाइनली हम डीप टूट म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं गाइस। देखिए आते ही गाइस मन एकदम खुश हो गया गाइस, ऐसा म्यूजियम है कि क्या ही बताएं। अगर आप लोग भागलपुर में हैं तो अगर अभी तक नहीं आए इस म्यूजियम में तो आ जाइए गाइस, क्योंकि ये एशिया का दूसरा डीप टूट म्यूजियम एंड पार्क जो है अपने भागलपुर शहर में खुला है गाइस। आपको बता दें, देखिए ये डीआईजी सर जिनके द्वारा ये म्यूजियम को बनाया गया है। बता दूं इंडियन पुलिस सर्विस डीआईजी रैंक से आईजी रैंक से रिटायर होने के बाद
सर अभी फुल टाइम यहाँ आके इस अपने आर्ट को यहाँ समर्पित करके इस चीज को और पूरे विश्व में फैलाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है, तो यही वो शख्सियत है। सर के साथ अंदर चलते हैं और सर क्या इंट्रोडक्शन लेते हुए पूरे जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर एक सेकंड में अगर एक लाइन में आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे सर? आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, आई एम ए कॉमन मैन। ओके सर। आर्टिस्ट इज देयर, ओके, और द टैलेंट इज देयर ऑन इन एवरीबॉडी, हर कोई। ये बिग बंगा जो है रिक्शा वाला है जी, अरे मैं तो आर्टिस्ट हूं ही नहीं, आई एम ओनली पुलिस मैन। आई डोंट नो हाउ आई क्रिएटेड जी, बट आई हैड द विल जी टू डू इट जी। एंड वंस ए पर्सन हैज द विल जी, ही कैन डू वंडर्स, ही कैन डू वंडर्स। ओके, लेट्स कम टू द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, उड का मतलब लकड़ी, तो बहती हुई लकड़ी। अंडमान्स में 512 आए, सुनामी आया या कोई भाड़ा आया, कोई पेड़ टूट गया, 100 वर्ष 50 वर्ष में इस आइलैंड से उस आइलैंड जाते जाते वो लकड़ी सड़के हो सकता है हाथी का शेप, घोड़ा का शेप में शेप ले ली। इसको ड्रिफ्ट आर्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट आर्ट का पूरी दुनिया में एक ही म्यूजियम है, दैट इज इन बे आइलैंड केरला, इट इज इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आल्सो। एंड बट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पूरे वर्ल्ड का तो देगी नहीं, तो इंडिया का दिया है। बट इनफैक्ट इट इज द ओनली ड्रिफ्ट म्यूजियम इन द होल वर्ल्ड एंड द सेकेंड म्यूजियम in this whole world of drifting is this museum. Okay. Right? Now, look, like this one. This is an elephant. ये elephant वैसे इसमें दो आँख देख रहे हैं? Yes. You see this आँख? ये मैंने काटा. Yes. बस. इसका सूर, ये everything is natural. It is, I have not done it. But this is, like this one. It, in fact, it is exact replica of me. ये पीके दास का एग्जैक्ट रेप्लिका है ड्रिफ्टवुड का, और इसमें इतना ही था, ये बाद में बताऊंगा। ये गोल था, देख लीजिए आप, ये कट हुआ है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कट हुआ है, बाकी ये ऐसे ही था। इसका पीछे देखेंगे तो जैसे बुटक होता है वैसे। मैं सो गया तो मेरा पैर इसके पैर पे, मेरा ये पीछे इस पर आका चौक मार के, मैं जैकेट पहना हुआ था, चौक मार के काटा ये मेरा हेड एग्जैक्ट लेंथ मेरा, और जो पोर्शन ये कट के निकल गया वो अंदर में फादर है, पादरी। तो इसका एक पोर्शन वहां टक गया, ये दो ड्रिफ्टवुड के। आपको बता दें गाइस, ड्रिफ्टवुड म्यूजियम जो कि एशिया का दूसरा अपने शहर भागलपुर में गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो भी ड्रिफ्टवुड देखने को मिलेगा वो गाइस एक प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ। इसके बारे में डिटेल में जो है यहाँ के जो जिन्होंने इस म्यूजियम को बनाया है डीआईजी सर, देख सकते हैं उनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ हुआ है। अब इन्हीं से हम पूरा इस म्यूजियम के बारे में हम जानेंगे पूरे डिटेल में, एक एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे जितना चीज़ आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये सारा प्राकृतिक का देन है। ये आप लोगों को दूसरा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी कुछ है, देखिए ये कछुआ है जिसका दूसरा पार्ट या इस तरह से डेमो जो है आप लोगों को कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये लकड़ी का है, लेकिन गाइस आप यकीन मानिए कि ऐसा आप लोगों को डिप जो है उड कहीं देखने को नहीं मिलेगा गाइस, जो आपने इस म्यूजियम में मिलेगा गाइस। ये म्यूजियम में आने से आप लोगों को खास बात यही है कि आपको यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगा जिसका आप कल्पना नहीं किए होंगे। आप देख सकते हैं, हम आपको इस एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है यहाँ से डीआईजी सर जो है, जो कि रिटायर्ड डीआईजी है, उनसे ही हम बात करेंगे और ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, and this is what I was telling you, ये पोर्शन उसका आगे का पोर्शन से कट हुआ और दिस बिकेम प्रीस्ट पादरी, राइट? सो दैट इज इन फैक्ट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ पीके दास। वेलकम टू माय पार्क और माय म्यूजियम, राइट? नाउ नेक्स्ट कम टू दिस इज एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हैज 8 हैंड्स, 8 हाथ होते हैं, ठीक है? आप इसमें गिरेंगे तो 9 है, तो एक को मैं काट देता तो 8 हो जाता। इसकी ब्यूटी देखिए कि अपने पैरों पे खड़ा है, राइट? ये अपने पैरों पे बैलेंस। आई एम लकी टू फाइंड, आई टेल यू मेनी थिंग्स, आई एम सो लकी टू फाइंड इट एनीवे। तो इसमें मैंने इसलिए इसको 9 रहने दिया कि आदमी होता है ना 6 उंगली का, तो छोटा उंगली थोड़ी काट देते हैं, तो हमने रह दिया। ऑक्टोपस को 3 दिल होता है, 9 दिमाग होते हैं
इसके हर हाथ में दिमाग होता है, इसका ब्लड ब्लू होता है। बच्चों को सीखना चाहिए, पर किसी का ब्लड ग्रीन होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का पर्पल होता है, किसी का ब्लैक होता है। यू गूगल इट, यू विल गेट इट। ओके, इसकी लंबी कहानी है। ये हमारे घर में गुलमोहर ट्री था और ये स्टोरी इज रिटन हियर, सो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। धन्यवाद। ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर, मैन इज डेड, बॉडी इज डेड, सेव गंगा सेव लाइफ। आदमी मर गया, आदमी मर जाएगा, चिड़िया मर जाएगी, गंगा बचाइए, जीवन बचाइए। व्हाई? दिस इज अ रूट सिस्टम, इट वाज फॉर्म्ड। दिस रूट हैज, दिस इज द हेड ऑफ ए बर्ड, दैट इज द लेग, एंड दैट वन लेग इज हाफ ब्रोकन, टूट गया, मर गई, और ये इसका विंग्स है। व्हाई इट इज डेड, इफ यू सी फ्रॉम दैट साइड, इधर देखिएगा, इसका इंटेस्टाइन खिचड़ी बोखड़ी सब निकला हुआ है। यू सी इट राइट? Okay, so this bird is dead, right? And this is the bird's feather. In the feather, you see, this is a man. Right. And when the man is like this, means I am dead. So the man is dead, the bird is dead. Save Ganga, save life. I'll show you another one. Here, this statue, I will see. Up here. This. This was a root system. I found it on Berry Road. अभी Berry Road पड़ता था, बड़ा हो रहा है ना? जी, भैया Berry Road पे मुझे मिला था। और इसमें देखिए एक आदमी है, दो हाथ है, दो पैर है, असल कटा हुआ। Means the man is dead. And you see the left hand. The left hand is the bird. And it is dead. तो चिड़िया मर जाएगी, आदमी मर जाएगा, जिंदगी बचाना हो तो गंगा में मर जाएगी। Next one. गौर से सुनो गाइस, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद इससे पहले कभी आप लोगों को किसी ने ऐसा हिस्टोरी नहीं बताया होगा जो कि शायद आज इनसे सुनने को मिल रहा है। ये कम टू इफ यू कम, दिस इज बर्ड, ये इसका आई है, ये इसका बीक है, राइट? दीज आर इसका दोनों पांव, ये दोनों पांव है चिड़िया का, ये इसके विंग्स हैं, इट इज इन द फ्लाइट। सो दिस इज अ बर्ड इन फ्लाइट। एक बर्ड है तो सिंपल सा बर्ड है, कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है मैंने गेंडा, राइनोसेरस। यस सर, तो राइनोसेरस है? है सर, बिल्कुल। आंख है, मुंह है, ये दोनों कान है, हॉर्न है, बिल्कुल। अब गेंडा दो प्रकार का होता है, वन हॉर्न भी होता है, टू हॉर्न भी होता है। इसमें थार बना हुआ है, तो मैंने रहने दिया, आप या तो इसको मानो। ये मेरा टेबल है, लेकिन यहाँ पर ये भाई बच्चा झूल के गिरा दिया इसको, तो शीशा कल परसों में लग जाए। अब हम स्टेज में आते हैं, एंड आई विल गो फास्ट। दिस वन आई वाज, दिस वन इज अ हाथी, हाथी है ना, एलिफेंट फूड। आई टेल यू हियर, इट हैज नॉट बीन कार्ड, इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल। सो यू कैन कॉल वन थिंग आई डिड, यस सर, ब्लो टॉर्च समथिंग। हां जी सर, ब्लो टॉर्च से मैंने इसको थोड़ा जला दिया, क्योंकि इसका भी कलर वही था जो इसका। ओके, राइट? तो यहां पे मैंने ब्लो टॉर्च मार दिया था। ओके ओके, यू अंडरस्टैंड? हां जी सर। तो दिस बिकेम प्रोमिनेंट सर, अदरवाइज दूर से आप फोटो खींचते, ये जो चूर देख रहे हैं ये भी ओरिजिनल है। और इसमें लिखा है इसके पैर पर गौर करें, ये हाथी का फुट है। हां जी सर, और ये ओरिजिनल उसका पैर जैसे था वैसे ही है। ओह माय गॉड, वाओ, राइट? लेकिन जो पेंटर था जो पॉलिश कर रहा था उसने इसको गिरा दिया, ये टूट गया, ये भी टूट गया, तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया, रंग दिया, बट दिस इज ओरिजिनल। ओके, लेट्स गो। गणेशा की तरफ देखिए ऐसे प्रणाम करिए और इधर देखिए और उधर से फोटो लीजिए और फोटो बाहर लीजिए, ड्रिफ्ट होल के अंदर का लिखिए।
देख लीजिएगा कक का मांग का फोटो आता है, इसीलिए ये रखा हुआ। यस, जैसे देखिए ये गाय, ओके सर, तो गाय को चार थन होती है ना। हाँ सर, आप इसके थन पे गौर करिए सर, ये मैंने बनाया नहीं है, ये गाय का जो है, देखिए इसके चार थन है, चार टॉर्च वाले, एक दो तीन चार, ये नेचुरल बने हुए, मैंने नहीं बनाया। हाथी में भी आपको दिखा रहे, आप आइए आगे, ये बनाया हुआ नहीं, इट्स ऑल एज इट हैज बीन फाउंड इन नेचर, ओके। नाउ हियर ये सांप है जी, बिलीव मी, ये जैसे मिला था वैसे ही ठोक दिया, ये कुछ भी नहीं बनाया गया, इसका खड़ाऊ तक नेचुरल बना हुआ है। इसका टेक्सचर देखिएगा, ये अपने आप यू सी द टेक्सचर एंड लकड़ी का इतना ही होगा ना ये, आप कभी गौर करेंगे इसके पीछे से लेके इसको देखेंगे कि किस प्रकार एक तना पहले सांप की श्रेणी में आया और चोट आया। एंड व्हाई स्नेक्स, व्हाई वी शुड सेव देम टुगेदर, यही बच्चा को पढ़ाना चाहता हूं। राइट राइट नाउ कम हियर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वांट टू एक्सप्लेन द बॉयज, मैं तो आर्टिस्ट नहीं था, ना हूं, ठीक है, ना कभी क्लास किया, ठीक है सर। तो अब जैसे ये एक ड्रिपवुड का पीस यही बचा, 150 साल में सड़क यही मिला, मैंने इसको लिख दिया सेंटा क्लॉज। हाउ इट इज सेंटा क्लॉज, हाउ इट इज सेंटा क्लॉज, ये कहां सेंटा क्लॉज है, आप मेरी बात समझे। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, ओके, हमने कभी कुछ सीखा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि कोई तो नाम दे, तो आप गौर करें, ये सेंटा क्लॉज का हेड है, कपाल फोरहेड, ये ऊपर का मूंछ है और ये उसकी दाढ़ी है। हाँ जी सर, सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज है। तो व्हाट आई एम सेइंग, आर्ट इज ए मैटर ऑफ परसेप्शन, कोई जरूरी नहीं है कि जिस आर्ट को मैं जो देख रहा हूं वही आपको दिखे। हाँ जी सर, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोग को, बच्चों को बताने के लिए, इधर और दिस वाज माय फर्स्ट डिपूट आर्ट, आई वुड लाइक इट, इस पर एक स्टोरी है, कभी और बताऊंगा, इसको कभी और बताएंगे, इट्स माय फर्स्ट डिपूट आर्ट, हाउ इट केम इन प्ले, और इसको देखने में मुझे 2.5 साल लगे थे, अब 2-3 मिनट में दिख जाता है। तो थोड़ा बहुत अब आर्टिस्ट 25 साल में कह सकते हैं कि अब बनाऊ था, लेकिन जज्बा था कुछ नया, चाहे आर्ट हो, चाहे खाने का कबाब हो, या खिचड़ी हो, या मक्के की रोटी हो और सरसों के साग हो। ये एक लड़की डांस कर रही है, दिस इज बेसिकली ए कॉफी रूट, ओके, दिस इज ए कॉफी रूट, कॉफी रूट और टी रूट में बहुत स्ट्रक्चर्स और ये बने हुए मिलते हैं, याद रखिएगा, इफ यू गो समवेयर इन द कुर्ग साइड यू विल फाइंड दिस, यू कैन टेक इट फॉर योर होम, बट दे मेक इट टेबल, ले देकर के एक टेबल बना लेगा। एनीवे व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी, मैं आया तो बोला कि सर ये लिखा हुआ उस वक्त नहीं था, लेडी डांसिंग ऑन द ड्रम बीट ऑफ ए डिफरेंटली एबल्ड बॉय, यानी एक लंगड़ा तो एक लड़की नाच रही है और ये एक लंगड़ा लड़का है, एक पैर से हैंडीकैप है, और अब हैंडीकैप नहीं बोलते, अब बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, तो इसको ये लंगड़ा ढोल बजा रहा है। वो लड़की मुझसे पूछती थी सर ये क्या है, तो हमने कहा यार तुम पागल लड़की है, ये लड़की है तुमको नहीं दिखता है कि डांस कर रही, बोला वो तो दिखा सर, तो बोली सर ये हमने ये लग रहा लड़का है और ये ढोल बजा रहा, ये लिखा हुआ नहीं था, बोला ओ हाँ सर, लड़की तो हम समझ गए लेकिन हम समझे कि ये एक लंगड़ा सिपाही है जो गोली चल, शी वॉज राइट, शी वॉज राइट, दिस वॉज हर परसेप्शन। सो व्हाट आई एम सेइंग, आर्ट और खूबसूरती बिखरी हुई, अरे भाई साहब जैसे चाहो, अभी आइए जैसे देखिए,
प्लीज कम, आई वॉन्ट टू टीच द आर्ट, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। ये क्या है, सिंपल एक लकड़ी का टुकड़ा, इसका तना है, इसमें तीसरा पेज, हमने कुछ नहीं काटा, इसको लिख दिया विचार मग पेंसिल। यार हम लोग विचार मग होते हैं, क्या यार क्या करे क्या ना करे, करते हैं ना, तो सब कुछ इसी धरती का है, लेकिन ये इस धरती के ऊपर का है, उल्का पिंड है और ये टेक्टाइट है। जब उल्का पिंड जहां पर गिरता है ना, इतना अगर गिरा और तो ज्यादातर 70-80% तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, अगर कुछ बड़ा टुकड़ा हुआ तो उसका कुछ पार्ट बच सकता है। तो धरती तो 75% पानी है, तो 75% उनका पेड़ तो पानी में चला गया। अगर कुछ बचा तो खेत में रात में कहां गिरा, कैसे मिलेगा? ओके, अगर मिल गया तो जहां पर गिरता है इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है कि वहां पर कब बालू मिट्टी से पिघल जाता है और वो आकाश में उड़ जाता है और नीचे गिरता है तो वो शीशा बन जाता है, उसको कहते हैं टेक्टाइट। दिस इज टेक्टाइट, दिस इज टेक्टाइट। एंड कम हियर फास्ट फास्ट, हियर दिस इज बॉगवुड, इसको देखिएगा पढ़िएगा, हाउ बॉगवुड फॉर, और यही आगे चल के कोयला बनता है। बॉगवुड इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लकड़ी इन द वर्ल्ड और इसी का स्मोकिंग पाइप बनता है। ट्रू, most expensive smoking pipe is made out of bogwood. And bogwood turns into a fossil fuel. Right. Koila mein ye turn. Right. And these are the dead wood pieces. And let's come here. Aur ye sare lakdi ke, ye dekhiye lakdi ke karodo lakho saal mein ye patthar ban gaye. Theek hai? Lakdi mein aap dekhenge, ped kaatenge usme annual rings hota hai. True. Sir. जितने रिंग्स होंगे उतना उसका एज होगा। यू कैन सी द रिंग्स हियर, कम कैन यू सी द रिंग्स, यस क्लियर रिंग्स हियर, कैन यू सी द रिंग्स हियर, यू कैन सी द रिंग्स हियर, ये पूरा रिंग्स है, देखो देखो यहां पूरा रिंग्स है। राइट सर, तो जी सर, एंड हियर यू कम, दीस आर ऑल मिलियंस ईयर ओल्ड ट्रू फॉसिल्स, इट्स नॉट रेप्लिका, नथिंग इज अ रेप्लिका हियर, यस सर, देयर इज नो रेप्लिका हियर। Like this one, trilobite. Paanch trilobite pehla jeev tha jisne is dharti ko dekha, prithvi ko dekhne wala 25 crore saal pehle trilobite was the first animal jo samudra mein tha jisko aankh hua, to aankh hoga tabhi to dekhega, bacteria thodi dekhega, aankh nahi hota. So trilobite, you can see the real three fossils of the trilobites and ammonites. Oh yes, you can see. It's the structure like this. See details. आँख ऊपर नीचे करके देखिए, नीचे करके देखिए, एडजस्ट करिए. अरे आँख ऊपर नीचे करिए. ये like this, like this one. यहाँ देखिए इंद्रधनुष के जैसा दिखेगा, देखिए आप. हाँ जी सर, सतरंगा है, सतरंगा है ना. दीज आर अमोनाइट्स, ये उससे भी पहले हुआ और ये इरिडिसेंट अमोनाइट, ये बहुत रेयर है, अंटार्कटिका में इसके फॉसिल्स अभी मिलते हैं ज्यादा. दिस इज क्रॉस शार्क, इसकी दांत पे अगर देखेंगे ना तो जैसे आरी में दांत होता है ना सौ में, वैसे इसमें स्ट्रक्चर, कभी आई का समय मिलेगा तो इसको देखिएगा इस चीज को. ओके, इसको भी कभी गौर करिएगा, ये पढ़ने जाओ इधर. और हियर यू सी द रियल फॉसिल, दिस इज द रियल फॉसिल, एटलीस्ट 66 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर फॉसिल्स, यू सी टूथ ऑफ मोसासुर, ये उसी मोसासुर का ओरिजिनल, दिस आर ऑल थ्री द ओरिजिनल टूथ ऑफ द मोसासुर, राइट, यू कैन जूम इट एंड सी इट. अब आप कहेंगे कि इतने बड़े जानवर का इतना छोटा दांत, तो भाई साहब ये पकड़ने, ये गर्व करता था, ये च्यू नहीं करता था, तो जब च्यूइंग नहीं नीडेड है तो तुमको थोड़ा सा पकड़ना है. सो दिस सीरीज ऑफ दैट वाज द मोसासुर, राइट, दीज आर द ओरिजिनल बोन्स ऑफ दिस, दिस वन आई गॉट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, दैट दैट इज फ्रॉम
carnivore. Okay. Probably T-Rex. Okay. So these are the things. फूड कला गाइस आपको बता दे प्राकृतिक के द्वारा ये बनता है. ये कला जो आप देख रहे हैं डिप्टूड आपको यहाँ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा. ये सारे प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है. किसी ने हाथ से इसे नहीं बनाया. सिर्फ जो है थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है. बाकी सारे जो है प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है. सभी जगह के बारे में लिखा हुआ सभी जगह के बारे में उसके नीचे में लिखा हुआ भी है. नाम है डिटेल में सारा चीज़ लिखा हुआ है. आप देख सकते हैं सभी लकड़ी का है. सिर्फ पॉलिश किया गया है. आप देख सकते हैं ये मगरमच्छ नहीं सॉरी कछुआ है. आप देख सकते हैं